अच्छा देखने को मिला है आज ऐसे में एक एक ट्रेड जोड़ सकते हैं तो कॉन्सुलशन है। uh, को आज ब्रेकआउट देखने मिला है वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे लग रहा है यहाँ से न्यू आईस और बना सकता है तो ये लेवल पे मैं बाय करना चाहूंगा नीचे का रहेगा और मीडियम टर्म के लिए टारगेट अराउंड 5800 एट हंड्रेड अट्ठावन सौ के लिए मीडियम टर्म से ट्रेंड में तेजी का ट्रेड पंकज दूसरा ट्रेड आप देंगे या फिर रुकना चाहेंगे दोपहर तक सेकंड हाफ का वेट करेंगे मार्केट का अभी भी कोई सही नहीं लग रहा है एक बार मौका तो दिख रहा है लेकिन वेट करना चाहूंगा चलिए कुछ समय लेंगे आप नया ट्रेड देने से पहले क्योंकि मार्केट में वॉलिटिलिटी का डर अभी भी है इस समय दो दो परसेंट तक की तेजी आ, निफ्टी और सेंसेक्स दिखा रहे हो निफ्टी बैंक भी वैसे दो परसेंट ऊपर आ चुका है चलिए लेकिन अब इस समय मार्केट की सबसे बड़ी चिंता यही है कि यहाँ से आगे क्या वो रिफॉर्म प्रोसेस जारी रहेगा या नहीं ब्रेक से पहले आपने सुना कैसे जेडीयू कह रहा है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए उस पर अब बातचीत शुरू होना शुरू होने लगेगी तो एफ आई आई ब्रोकरेजेस खासतौर से भारतीय बाजार पर अपनी क्या राय बना रहे हैं आ, कल के पोल वर्डिक्ट के बाद यत्न हमारे साथ है सारा डिटेल देने के लिए तो देखिए जहाँ तक कि एफ आई ब्रोकरेजेस का सवाल है थोड़े कॉशस हो गए हैं वो और मॉडल पोर्टफोलियो में भी उन्होंने चेंजेस किए हैं जहाँ तक कि बर्न स्टीन का सवाल है उनको लगता है कि नई सरकार को जो फोकस है वो स्पेशल स्कीम पे खर्च बढ़ाने पे होगा और कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स को ज़्यादा एग्रेसिवली uh, एलोकेशन दिया जाएगा निफ्टी का उन्होंने टारगेट जो है वो तेईस पाँच ही रखा है कोई बदलाव वहाँ नहीं किए हैं इनफैक्ट इनको लगता है कि बाज़ार में अब आठ से नौ परसेंट के आसपास का ही आपको रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि वैल्यूशन थोड़े स्ट्रेज हैं मॉर्गन सैनली को भी यही लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में बाज़ार में उतार चढ़ाव रहेगी और कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था उसको थोड़ा एक स्लो नज़रिए से अब इन्वेस्टर्स देख रहे हैं हालाँकि स्टेबिलिटी रहेगी और कहीं ना कहीं एन दलों में जो खींचतान होगी उस पर बजर उस पर नजर रहेगी और कहीं ना कहीं जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है उस पर नज़र रहेगी चुनावी नतीजों पर सी का मानना ये है कि अब जो है आई टी फोकस करें ओ और रिलायंस जैसे स्टॉक्स में अब एक्सपोजर जो है कहीं ना कहीं कम करना चाहिए इनफैक्ट उन्होंने एल को हटा के आज एच टेक्नोलॉजीज को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में लिया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी फार्मा शेयर जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं एफ कंजम्पशन उनको अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेंगे इसके अलावा यू और जेफरीज का भी यही मानना है कि कंज्यूमर स्टेपल्स ऑटोज़ में ओवरवेट रहें निजी बैंकों पे ओवरवेट रहें और कहीं ना कहीं कही रियल इस्टेट इंडस्ट्रियल और सरकारी कंपनी में जो ओवरवेट था उनका उसको उन्होंने कट कर दिया है शुक्रिया यात्री इस अपडेट के लिए तो कुछ पोजीशंस जहां पर पी एस यूज पर ओवरवेट थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और कंजम्पशन थीम पर एक बार फिर नज़रें बनती हुई लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियरली उस कमेंट्री में देखा जा रहा है चलिए खिलाड़ी नंबर वन के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं अब तक हमारे जो जानकारों ने ट्रेड्स दिए हैं तेजी के ही ट्रेड्स हैं लेकिन किस तरह की कमाई के ये कर रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे प्रशांत ने दो मंदी के सौदों पर अपनी पोजीशन कैरी की है एक है है सीमेंस 5700 का है, 6670 का टारगेट 6670 स्टॉप लॉस कमेंस पर भी शॉर्ट साइड का ट्रेड कैरी करें 2750 टारगेट चौतीस स्टॉप लॉस है रैडिको कहता नया जोड़ा दो का टारगेट और फिफ्टीन का स्टॉप लॉस इनका रहेगा रिटर्न्स के सिचुएशन पर देखेंगे तो कमेंट्स इनको दो परसेंट जोड़कर दे रहा है ये टॉप परफॉर्मर है अब आइए आप अगले पोर्टफोलियो पर पंकज एक जगह खाली रख रहे हैं एक जगह ट्रेड आया है जुबलेंट फूड का 620 टारगेट 510 का स्टॉप लॉस वैसे भाग चुका है अकाउंटअप इस घंटे ये स्टॉक थोड़ा सा पॉइंट वन परसेंट तक का ड्रैग कर रहा है इनके पोर्टफोलियो के लिए वीरल ने दो ट्रेड दिए एक है एक्साइड और दूसरा है ट्रेंड एक्साइड में टारगेट 530 थर्टी स्टॉप लॉस फोर का ट्रेंड 5800 के लिए बाई किया 4400 का स्टॉप लॉस है रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है तो ज़्यादा रिटर्न्स इनको एक्साइड दे रहा है एक परसेंट एंड पॉइंट टू वन परसेंट की कमाई ट्रेंड भी कर रहा है अब लेकर आते हैं कि ओवरऑल रिटर्न की सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही है आ, मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में है तो पंकज आगे चल रहे करीब 11% परसेंट के रिटर्न्स इनके वीरल 4.25% परसेंट के रिटर्न्स पर हैं प्रशांत अब करीब माइनस टू परसेंट के रिटर्न्स पर बैठे हैं यह है अब तक की स्थिति लेकिन देखिए तीन दिन और बाकी हैं आज कल और परसों ट्रेड्स और शानदार ज़रूर आएंगे इस वॉलीटालिटी से जूझने के मौके भी हमारे जानकार आपको आइडेंटिफाई करके देंगे चले लेंगे एक ब्रेक ब्रेक में जाते जाते कोटक महिंद्रा बैंक चार परसेंट ऊपर कोटक जनरल में ज्यूरिक इंश्योरेंस का ज्यूरिक सेवेंटी परसेंट हिस्सा खरीद सकता है ये एक अपडेट आता हुआ कंपनी की तरफ से तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा गुड लक जेंटलमैन कोई भी बदलाव होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर दीजिए हम एक बजे मिड कैप मंत्र में वो रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे और जो भी चेंज होगा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में उसका जायजा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ले सकते हैं चले लेंगे एक ब्रेक बाईस तीन सौ इकतीस पर निफ्टी को छोड़ जाएंगे और निफ्टी बैंक भी लगभग नौ सौ पॉइंट ऊपर दो परसेंट के गेन्स पर है बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें